लेकर यहाँ मुंबई आने वाले हैं, क्या प्रोग्राम है और क्या शेड्यूल होगा? जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ और वहाँ कम से कम एक महीने के बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बाद में अभी मुंबई का तैयारी हुआ है और हमारा काफ़ी टाइम हुआ कि कोरोना के पीरियड से लेके अभी तक हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रताप बरी जी मुंबई आने के कई कार्यक्रम मतलब बनाए थे, लेकिन किसी ना किसी वजह के से वो कार्यक्रम कैंसिल हुए और अब 26 मार्च सैटरडे रंग शारदा हॉल हमारा मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके अलावा पूरे मुंबई के हमारे लीडरशिप, हमारे जितने भी मुंबई अध्यक्ष और हमारे ज़िला अध्यक्ष, हमारे जितने मंत्री, सारे मुंबई के कार्यकर्ता सब लोग वहाँ पे शामिल होंगे और माइनॉरिटी के विषय पे बहुत सारे हमारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर बात होने वाली है, क्योंकि आने वाले महानगर पालिका के इलेक्शन में हम लोग माइनॉरिटी के बीच में जाने वाले हैं और माइनॉरिटी के बीच में जाके हमारे कौन से मसाइल हैं जिसको आसानी से हल किया जाए, इस विषय पे हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग है ये पूरी। और ये मीटिंग बहुत जल्द हम लोग लेने वाले थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जब से बने हैं, जब से मुंबई नहीं आए, तो उनका हम लोग को एक वेलकम भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, जैसे ग्रैंड वेलकम होता है ऐसा वेलकम करना है। और हमारी तैयारियां चालू हैं, हमारी पूरी मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की पूरी टीम, यहां तक के जिला अध्यक्ष से लेके हमारा वार्ड अध्यक्ष तक और जो भी कमेटी के हमारे मेम्बरान हैं, बड़ी जद्दोजहद और बड़ी मेहनत के साथ लगे हैं और आने वाले 26 तारीख की एक बड़ी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो रंग शारदा हॉल में हम लोग एक बड़ा ग्रैंड वेलकम करने वाले हैं वहाँ पर हमारे चेयरमैन का। सर, आपने अल्पसंख्यकों की बात की, हाल ही में एक पिक्चर रिलीज हुई है द कश्मीर फाइल, तो कश्मीर फाइल को लेकर जिस तरीके का विवाद उस मूवी को लेकर उठ रहा है, उस मामले में आपका क्या रुख है? नहीं, कैसा है कि ये हमारी जो मीटिंग है ना, ख़ास करके महानगर पालिका के इलेक्शन में किस तरीके से हम लोगों को लोगों के बीच में जाना है, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन का सीधा सीधा कहना है कि हमको आने वाले इलेक्शन की तैयारी करना है। और माइनॉरिटी मुंबई में एक इस तरीके से है कि हमारे 4 विधायक जो हैं वो माइनॉरिटी के हैं, तो आने वाले दिनों में वो 4 विधायक को हम लोग आगे रखना है और उनको लेके चलना है कि हम लोग, हमारे 2 मंत्री भी जो उनमें से बने हुए हैं, उनके साथ में रह के हमारा क्या प्लान करते हैं माइनॉरिटीज़ के, जो भी हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारे जितने भी नगर सेवक, वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा जिता के लाएँ और नए एरिए पे हम लोगों का कब्ज़ा हो, ऐसी हमारी तैयारी रहेगी। और ये एक बड़ा अच्छा मौका है जब हमको जाना है, बाकी किसी विवाद में हम लोग नहीं पड़ के, हमारा एक ही टारगेट रहेगा, वो होगा महानगर पालिका का इलेक्शन और उसमें मुंबई कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल होगा और ख़ास करके महानगर पालिका में कांग्रेस का झंडा लहरा है, ये हमारी एक सबसे पहली हमारी तैयारी है। और हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन का ये भी कहना है कि वो आएंगे तो सारे इश्यूज़ पे बात होगी, इस विषय पे ख़ास करके मुंबई कांग्रेस में संडे के दिन 3 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा है जिस पे आप लोगों को हर सवाल के जवाब वहाँ मिलेंगे ज़रूर। जी सर, माइनॉरिटी के बीच में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो चुनाव के दौरान लेकर कांग्रेस पार्टी चाहेगी? नहीं, मुद्दे हमारे पास हमारे काम के मुद्दे हैं, हमारे मुंबई शहर में खास करके आपको मालूम है कि हमारे 29 नगर सेवक हैं, हमारे 29 नगर सेवक पे जो हमारा काम हुआ है पूरे मुंबई शहर में, 29 नगर सेवक के जो 29 वार्ड थे उस पे काम किया गया है, वो हमारा सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि हम लोग काम करके सामने लोगों के जाने वाले। दूसरी चीज़, हमारे जो विधायक हैं वो घर घर जाके जिस तरीके से काम कर रहे हैं, खास करके अभी मैं आपको बताऊँ कि मुंबई कांग्रेस की तरफ से डिजिटल मेम्बरशिप का जो एक कार्यक्रम चालू है, जिसकी वजह से हम लोग घर घर जा रहे हैं और घर घर जाके हम लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस उनके घर तक आई है और उनसे जुड़ना चाहती है। जो लोग हमसे दूर भी थे, हम उनके पास जा रहे हैं और आने के बाद उनके जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए ये हमारा एक, हमने एक ज़रिया बनाया लोगों तक जाने के लिए, डिजिटल मेम्बरशिप के
जरिए हम लोगों तक पहुंचेंगे और उनके जितने भी मसाइल होंगे उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और महानगर पालिका के इलेक्शन में हम लोग यही सब मुद्दे लेके जाना है कि लोगों का विकास कितनी तेज़ी से हो सकता है महानगर पालिका में, जो जिस तरीके के काम रहते हैं, क्योंकि मुंबई शहर पूरा महानगर पालिका के ऊपर डिपेंड रहता है, ना कि दूसरे महानगर पालिका के जैसा नहीं है मुंबई महानगर पालिका। तो यहाँ से बहुत सारे मसाइल जो हमारे महानगर पालिका से ही सॉल्व होते हैं मुंबई के, और मुंबई का एक बड़ा बजट होता है और इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा मुंबई करों के ऊपर खर्च किया जाता है, उसको किस बेहतर तरीके से आगे आने वाले दिनों में उसका क्या प्लान होता है और किस तरीके से हम लोगों के पास जाएंगे, यही सब तैयारी के लिए ये कार्यक्रम हो रहे हैं।